हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस वर्कशीट फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन ये ईवीएस की थर्ड वर्कशीट है एंड टॉपिक्स आर आवर फूड एंड सोर्सेस ऑफ फूड सोर्सेस ऑफ फूड में फूड के क्या सोर्सेस हैं फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है फर्स्ट और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स इस वर्कशीट के थ्रू अपने एग्जाम्स के लिए डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक अवर फूड अमर फूड वर्कशीट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फूड फ्रॉम प्लांट्स फर्स्ट टॉपिक इज फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स सेकेंड फूड फ्रॉम एनिमल्स नंबर थर्ड इज ईटिंग टाइम्स चलन हमें फूड कहाँ से मिलता है इसके क्या सोर्सेज हैं फूड के मेनली टू सोर्सेज हैं प्लांट्स और एनिमल्स फूड के कितने सोर्सेज हैं मेनली टू सोर्सेज हैं प्लांट्स और एनिमल्स फूड जो हमें प्लांट से मिलता है और फूड जो हमें एनिमल से मिलता है इन दोनों सोर्सेस को हम इस वर्कशीट में आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ईटिंग टाइम्स दैट मीन्स हम डेली दिन में कितनी बार खाना खाते हैं मेनली आप थ्री टाइम्स थ्री मील्स एक दिन में लेते हैं राइट स्टार्ट वर्कशीट थ्री इसका फर्स्ट पार्ट है फूड फ्रॉम प्लांट्स प्लांट से मिलने वाला फूड कौन कौन सा चिल्ड्रन है फर्स्ट इज फ्रूट्स फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं प्लांट सेकेंड वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं क्रेल्स अनाज जिससे आप चपाती खाते हैं ये हमें प्लांट से मिलता है नंबर फोर्थ पल्सेस दाल नंबर फाइव नट्स ऐसे काजू बादाम राइट नंबर लास्ट ड्रिंक्स ड्रिंक्स लाइक कॉफी और टी ये सब हमें कहां से मिलता है प्लांट्स से इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन नेम द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ड्रॉ देम इन द गिवन बॉक्सेस यहाँ आपको बॉक्सेस गिवन है जिसमें आपको उन फूड के नेम लिखने हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं इसके साथ ही उन फूड के पिक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं और इसमें आप कलर भी कर सकते हैं फर्स्ट यहाँ मैंने ड्रॉ किया है फ्रूट्स और इसका नेम भी मैंशन किया है एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स सेकेंड वेजिटेबल्स नंबर थर्ड ड्रिंक्स टी एंड कॉफ़ी नंबर फोर्थ नंबर फाइव नर्स और नंबर सिक्स में क्या है पल्सिस दाल सेकेंड क्वेश्चन क्या आप प्रैक्टिस करेंगे सर्कल द फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स उन फूड को आपको सर्कल करना है जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं फर्स्ट मिल्क क्या मिल्क हमें प्लांट से मिलता है नो टी यस टी को सर्कल कीजिए शुगर शुगर हमें प्लांट से मिलता है एप्पल यस हनी हनी कहाँ से मिलता है वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी एग्स गेट फ्रॉम हैन राइट तो आपको किस पर सकल करना है नर्ट्स पर या yes. ऑयल पर भी सकल करेंगे आप ये भी हमें ऑयल कहाँ से मिलता है प्लांट से कैरेट प्लांट अनियन प्लांट से मिलता है और बटर प्लांट से नहीं मिलता राइट right? इसका सेकंड पार्ट है वर्कशीट का फूड फ्रॉम एनिमल्स फूड जो हमें एनिमल से मिलता है कौन कौन से फूड है दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स मीट एग्स एग्स कहाँ से मिलते हैं हैं से राइट फिश मिल्क वी गेट मिल्क फ्रॉम काव गॉट बफेलो शीप हनी, हनी हमें मिलता है हनी भी से लेट्स नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड ईटिंग टाइम ईटिंग टाइम्स में आप क्या पढ़ेंगे वो यूजली ईट थ्री मील्स एवरी डे हम रोज आना दिन में थ्री मिल्स लेते हैं और ये थ्री मिल्स हैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मिल्स ऑफ और डे क्या है चिल्ड्रन? मिल्स ऑफ अ डे है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर वी टेक अवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड लंच इन आफ्टरनून डिनर एट नाइट नो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री टेक द करेक्ट आंसर वी गेट इट फ्रॉम अ हैन हमें यहाँ बताना है हैन से आपको कौन सा फूड मिलता है मिल्क या एग्ज आपका आंसर है एग्ज एग्ज हमें हैंज से मिलते हैं राइट सेकंड वी गेट हनी फ्रॉम हमें हनी कहाँ से मिलता है चटन हनी भी से तो आप इसको टिक कीजिए नंबर थर्ड वी गेट मिल्क हमें मिल्क कहाँ से मिलता है से या का से आंसर इज काओ वी गेट मिल्क फ्रॉम काव नेक्स्ट क्वेश्चन फोर सर्कल द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स कलर दोज पर्टिकुलर फ्लावर्स यहाँ आपको फाइव फ्लावर फ्लावर्स गिवन है इन फाइव फ्लावर्स में आपको उस फूड पर सर्कल करना है जो एनिमल से मिलता है और उसके बाद उस फ्लावर को कलर भी करना है नट्स नट्स हमें कहाँ से मिलते हैं एनिमल्स है नो हनी यस तो आप इसको सर्कल कीजिए एग्स एनिमल्स मिलते हैं राइट मिल्क यस टोमेटो नो तो यहाँ आपके थ्री फ्लावर्स हैं जिसको आपको कलर भी करना है ओके मैज द फूड प्रोडक्ट्स विद देयर सोर्सेज यहाँ आपको फूड प्रोडक्ट्स भी दिए हैं और उनके सोर्सेज भी गिवन है सोर्सेस कौन से हैं प्लांट्स और एनिमल्स तो यहाँ आपको फूड और सोर्सेस को मैच करना है फर्स्ट इज आपको क्या दिखाई दे रहा है पेट में फूड आइटम है राइट right? तो ये फूड आपको कहाँ से मिलता है पिज्जा है आपका या चपाती आपको कहाँ से मिलता चिल्ड्रन यहाँ में मिलता है क्रेल्स नाउ एप्पल्स एप्पल्स किसके साथ मैच करेंगे आप ट्री के साथ क्योंकि एप्पल का ट्री होता है और मिल्क मिल्क को आप मैच कीजिए काओ के साथ ई एग्ज hen हनी हनी किससे मैच करेंगे हनी bee के साथ राइट चिल्ड्रन अब आपको ये समझ आ गया कि फूड के सोसेस क्या हैं प्लांट्स और एनिमल्स तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो के बने हैं इसमें पी और ए लिखना है पी फॉर प्लांट और ए फॉर एनिमल वे डू वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम्स ये फूड आइटम्स जो आपको गिवन है ये हमें कहाँ से मिलते हैं या तो एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं जो फूड आपको प्लांट से मिलता है उसके बॉक्स में आप लिखेंगे पी और जो फूड आपको एनिमल से मिलता है उसमें आप क्या लिखेंगे ए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिल्क मिल्क के लिए आप क्या लिखेंगे ए बॉक्स के अंदर लिखिएगा सेकेंड टी प्लांट तो आप पी लिखेंगे फ्रूट पी मीट एनिमल ए हनी ए शुगर पी रेडिश पी प्लांट एग्ज एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स टिक द करेक्ट आंसर यहाँ आपको आंसर को टिक करना है आपको ब्रैकेट में टू आंसर्स गिवन है जिसमें एक आंसर करेक्ट है और उस करेक्ट आंसर को आपको टिक कर देना है उसके बाद उसकी स्पेलिंग को यहाँ देख कर आपको लिखना भी है स्पेस में वी गेट क्रेयर्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आंसर आपका क्या है प्लांट्स पर टिक कीजिए प्लांट्स को और इसकी स्पेलिंग को यहाँ लिख दीजिए पी एल ए एन टी एस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा हैंस गिव अस हैं हमें क्या देती है एग्ज ई डबल जी एस एग्ज नंबर थर्ड वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स एनिमल्स फोर वी टेक अवर लंच इन हम अपना लंच कब लेते हैं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आफ्टरनून तो आपको यहाँ स्पेलिंग को लिख देना है वो शुड नॉट ईट हमें क्या नहीं खाना चाहिए कवर्ड फूड या अनकवर्ड फूड आंसर इज अनकवर्ड फूड जो फूड ढका हुआ नहीं है उसे हमें नहीं खाना चाहिए लास्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको टिक करना है टिक द फूड वी शुड ईट जो फूड हमें खाना चाहिए उसे आपको टिक कर देना है और उस फूड को आपको क्रॉस करना है जो हमें नहीं खाना चाहिए दैट वी शुड नॉट ईट चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्या है इस फूड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अनकवर्ड फूड है तो इसको आप क्या करेंगे क्रॉस इस फूड को आपको नहीं खाना सेकेंड क्या है कवर्ड फूड है ढका हुआ है खाना राइट तो इसको आप खा सकते हैं इसे आपको खाना चाहिए इसको आप कीजिए राइट ये आपका क्रॉस और ये आपका राइट बर्गर नो जंक फूड इसे आप क्रॉस कीजिए मिल्क आपको पीना चाहिए यस चिल्ड्रन वर्कशीट के थ्रू आप अपने एग्जाम्स की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके चिल्ड्रन थैंक यू